स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बिहार के सपूत, हमारे गोपालगंज के सपूत मुकेश कुमार सिंह, जो भारतीय क्रिकेट के प्लेयर हैं। मुकेश कुमार सिंह यहाँ पे अपने पैतृक गांव काकड़कुंड में पहुँचे हुए हैं आज। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हमारे मुकेश कुमार सिंह जी बिलोंग करते हैं। और आज ये घूम रहे थे यहाँ पे, अपने बचपन की गलियों में घूम रहे थे। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक बात बताइए, आप अपने गांव में आए हुए हैं शायद, मुझे लगता है कि ग्रामीण बता रहे थे कि 1.5 साल के बाद आप यहां पे आए हुए थे। ऑलमोस्ट 7 या 8 मंथ हो गया जी। जून या जुलाई में आया था मैं बस, और जस्ट अभी 2 दिन का शेड्यूल था तो मैं मम्मी से मिलने के लिए पूजा पाठ था, तो इसमें आ गया मैं। आज आप सफलता के शिखर पे हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत देख होता ना कि सफल जितना हो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए तनी ऐसा हम भोजपुरी में बात करें, ठीक बा? कि लो के हमने किया के लो के माटी के एहसास हो जाओ कि रउआ यही माटी के लाल बानी। रउआ एगो बात बताई, जब मान ली कि रउआ वही जानी क्रिकेट वगैरह खेले, गाँव के ऐसा कौन से याद बा जौन रउआ हमेशा याद आवत रहे? गांव का याद, सारे लड़कों के साथ मैच खेले, भोजपुरी में बोली तनी भोजपुरी, सारे लड़का लोग के साथ मैच खेले के टाइम में याद होता। प्लस जितना भी गार्जियन लोग रहे जो कि ओबियसली सबके के अपना बेटा के केयर करे के पड़ला कि यार खेलत अटे करियर कहाँ जाइ, ओकर लाइफ कहाँ जाइ, तो अपने बेटा के टेंशन के वजह से थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर जैसा ना होला कि यार ये सब गलत बटे ये सब, तो वो भी ठीक बटे। लेकिन अभी हम ये कहे चाहें सारा जाना के कि पढ़ाई के साथ साथ कोनो भी गेम खेलो, लेकिन दिल से खेलो, दिल से एकदम जी खेले, लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट बटे। जी 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 जी, पढ़ाई इम्पोर्टेंट बा, साथ साथ एगो कहावत पहले कहल जाओ, जब हमने का पढ़ी सके खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। तो ई जोन मान ली कि कहावत बाटे लगभग बदल चुकल बा आज के परिस्थिति में। हाँ, लेकिन दोनों में करियर बटे, खेलकूद में भी बटे और पढ़ाई में भी बटे, तो दोनों पे अगर फोकस रही तो बेटर रही। लेकिन डिपेंड करता है कि पेरेंट्स लोग के कि अपना बेटा पे ध्यान दे के कि कौन चीज पे अगर ज्यादा मन बटे वही पर ध्यान देवे के चाहिए। जी, गोपालगंज के प्रशासन द्वारा और बहुत बेहतर ढंग से वेलकम कल गई, स्वागत कल गई, का कह गोपालगंज के लोग के आए यहाँ के प्रशासन के? सबसे पहले प्रशासन के तहे दिल से शुक्रिया कि हम इतना सोचल ना रहिए कि इतना अच्छा ढंग से हमार वेलकम हुई। और जहाँ तक पब्लिक लोग फैंस लोग बटे उन लोगों के भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहे चाहते हैं कि इतना प्यार इतना दुलार कर रहा, बहुत शुक्रगुजार बनी। लास्ट में जौन युवा खेल रहल बाड़े, क्रिकेट वगैरह खेल रहल बाड़े, दिन रात जदोजहद करता रहे, मान ली कि कहीं ना कहीं सफलता नहीं खे मिल पाओ, तो उन लोग खातिर वह का कहे? देखिए, सफलता के पीछे भागे में तो फिर सफलता और वह पीछे रोवा से बहुत दूर चल जाए। अच्छा, तो एक प्रोसेस स्टार्ट करी कि क्रिकेट हो फुटबॉल हो कोई भी गेम हो या पढ़ाई हो, एक प्रोसेस हो गया कि चाहे कि आज हमार का शेड्यूल बटे, आज हमारा कितना काम करे के बटे। एक जैसे हम स्टार्ट के लिए बनी डायरी, और आज हमार का शेड्यूल बटे, आज हमार कहाँ जाए बटे, हमारे डाइट का बटे, सब हम अपने प्लान करके करे, तो वो हिसाब से हर एक इंसान के करे के चाहिए कि आज के प्लान का बटे, हमारा का करे के बटे, हमारा आगे लाइफ में का, जैसे कि हमारा लक्ष्य बटे कि क्रिकेटर बने के हमारा, तो आगे छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए के कि क्रिकेटर बने खातिर एक अच्छा सक्सेसफुल क्रिकेटर बने खातिर का करे के पड़ी हमारा, तो वो चीज़ के नोट करके हिसाब से चले के पड़ी। अब हमारा क्रिकेटर बने के बाद अब केहूँ तक बने के बटे तो जी मुश्किल बटे न, तो के डिवाइड करे के चाहिए आगे राउर लक्ष्य का रही। हमारे ये कहीं को लक्ष्य बटे इंडिया टीम के अपना देश खातिर खेले के रेगुलर खेले खातिर, तीनों फॉर्मेट जी। फिलहाल तो आईपीएल में राउर मान ली कि सिलेक्शन हो गई बा, 5 करोड़ शायद में राउर जौन मूल्य बटे वो लागल बा, जस्ट नंबर वो नंबर बटे, बट हमार मेन लक्ष्य बटे आईपीएल में रेगुलर खेले के। तो चलिए रउआ सब देख रहा बानी यहाँ के पैतृक घर बा, जहाँ यहाँ के बचपन गुजरल बाटे, यही आंगन में यहाँ के खेलल बानी, या ये गांव में यहाँ के मान ली कि यही जैसे शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हो रहे? स्टार्टिंग यही जैसे बोल बटे हमारा, यही जैसे गाँव के जो स्कूल बाटे। हाँ, वही जैसे। ओकरा बाद
ओकरा बाद हजीपुर में एक बापू अदर चिल्ड्रेंस अकेडमी बटे हुए, फिर बी एम हाई स्कूल बटे, फिर कमला राय कॉलेज बटे, ये सब। चलिए मुकेश जी, लास्ट में एगो सवाल, रउरा आज एगो मान ली कि सफल व्यक्ति बानी आ आगे भी सफलता रउरा मिलते रही, ये सफलता के पीछे कोनो अगर व्यक्ति के रउरा योगदान देवे के चाहे तो सबसे पहलका नाम कौन हो? सफलता के पीछे सबसे पहले तो माँ बाप के हाथ रहला, ठीक नो, और सबसे ज़्यादा आई थिंक पापा के अगर 50% बढ़े तो माँ के हमारे 80% बढ़े, जी ठीक नो, और 20% हमारे गुरु कोच वगैरह अमित सिंह सुभाष भैया एंड आर के भैया, जी जी, इन तीन जना के यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हमारा के लाइफ में आगे बढ़ावे के, एक मोटो लाए एक तरह की, यार तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम कर सकते हो ये चीज का, बाकी माँ बाप का तो आशीर्वाद हमेशा रहता है हर एक बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो चलिए, ये थे हमारे भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार सिंह जी, और इनके घर पे हम लोग मौजूद है और यहीं पे आए हुए हैं, और बहुत बेहतरीन हमसे बातचीत हुआ इनसे, और हम भोजपुरी में भी बात किए ताकि आप लोगों को लग सके कि हाँ ये बिल्कुल अपने धरती से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से जो लोग हैं यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और ये अपने घर परिवार में मौजूद है, और यहाँ पे जो है इनके आने के अवसर पे अष्टजाम का भी आयोजन किया गया था, और आप लोग यहाँ पे सभी घर भोज भी है, इनका एक नया घर भी बना हुआ है, तो इस तरह से है। तो चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।